शिवजी वो अब मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये कमरा आपका भी है, हम दोनों को ये रूम शेयर करना है। और दुख शेयर नहीं करेंगे मेरे साथ? अनहोनी हो गई आज, बहुत बड़ी। माँ बाबूजी के जाने के बाद जैसा लगा था वैसे ही लग रहा है, अनाथ हो गया मैं फिर से। ऐसी बात कही है, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर उन्हें एहसास हो जाएगा कि। जानता हूं, पर गुस्सा नहीं हूं मैं उनसे, शक हो रहा है अपनी परवरिश पर। बहुत सहज के रखा मैंने उन्हें, जिंदगी के संघर्ष का सामना नहीं करने दिया, अपने पैरों पे तो खड़ा किया मैंने उन्हें, पर शायद मेरा ही सारा उन्हें कमजोर बना दिया। इसलिए गुस्सा नहीं, चिंता हो रही है मुझे उनकी, कल को मुझे कुछ हो गया। ऐसे मत कहिए प्लीज। आपकी जरूरत हम सबको है, आपके भाइयों को और मुझे। मैं आती हूँ। गंगा जी कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप अपने आप को दोषी मत ठहराइएगा, आप साधन हो सकती हैं इस मतभेद का पर वजह नहीं। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बीच में आपने कह दिया कि आप यहां से चली जाएंगी, शायद नियति हमें साथ लाई है, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, अब समझ में आ रहा है, शायद हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। मैं नहीं जानता कि मैं कितना सहारा बन पाया हूं, पर आज आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, आज मुझे एक सहारे की जरूरत है। तो आइंदा यहां से जाने की बात मत कीजिएगा। गंगा शिव से अलग कैसे हो सकती है? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। घर में लकीर खींच गई है, भाई अलग हो गए एक दूसरे से। अरे कौन सोच सकता है ऐसे होगा इनके घर में। चारों भाई कैसे शान से निकलते थे, आज शिव भैया अकेले आए हैं। भैया। अरे जय कैसी है? आप लोगों को ऐसे देखकर मैं कैसे हो सकती हूँ? शिव भैया ये अचानक सब कैसे हो गया, क्यों हुआ और आपने रोका क्यों नहीं? वो छोटे हैं ना आपसे, दो थप्पड़ और लगा देते उन्हें, सब समझ आता उन्हें, लेकिन आप। कोई बात नहीं जय, तू दुखी मत हो, मुश्किल टाइम आता है और चला भी जाता है, इसी का नाम तो जिंदगी है। जिंदगी नहीं पागलपन है, बेवकूफी है। कितना बचपना, रात भर इतना समझाया इन्हें, पर सही कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। देखो ना शिव भैया, आपकी सोच सही निकली, शादी करने से ही टूटता है परिवार। ऐसे कैसे, किसी अच्छी औरत से शादी की होती तो थोड़ी ना ऐसा कुछ होता, और शादी की भी तो किससे, उस गंगा से। घर तो टूटना ही था ना।
एक औरत होकर आप गंगा जी के बारे में ऐसा बोल रही हैं? अच्छा नहीं लगा ये देखकर। ये जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ हुआ है, हमारे घर में हुआ है, ये हमारे घर की बात है, तो प्लीज इसे तमाशा बनाकर समाज में नुमाइश मत कीजिए। बस बहुत हो गया, मैं दूर करूंगी इनका पागलपन। देखती हूँ कि घर को कैसे अलग करते हैं। आलोक, क्या नाटक है ये सब? क्यों लाइन खींचिए? क्या तुम लोगों का रिश्ता इतना कमजोर है कि एक लाइन खींचोगे और सब खत्म हो जाएगा? अभी मिटाओ इसे, कोई अलग नहीं हो रहा। ओए, क्या कर रही है ये? सबसे बड़ी पागल तो तू है जो इस घर में बिना बुलाए आ जाती है बार बार। कौन सी कौन है तू? हाँ, और इतनी बार मना किया है कि हमारे घर के मामले के बीच में मत बोला कर, पर फिर भी बोलती है। बचपन से बीच में हूँ मैं। शिव भैया फैमिली मानते हैं मुझे। और मैं छिपकली मानता हूँ तुझे। अब चल निकल यहाँ से, वरना बम बम बोले तेरा सर फोड़ दूंगा। ओ बैल बुद्धि, तुमने ज्यादा बकवास मत करो। तुमसे बात करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ, मैं आलोक से बात कर रही हूँ। और ये सर फोड़ने की धमकी ना मुझे मत देना। मेरी माँ ने माफ कर दिया था तुम्हें, लेकिन मैं सीधा जेल पहुंचा दूंगी। तू डेढ़ पसली मुझे जेल भेजेगी? हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी का हाथ पकड़ने की? बदतमीज हो गए हो एक नंबर के, जुबान ज्यादा चलने लग गई है तुम्हारी। शर्म हया बेच खाई है तूने। हाँ, कह देते हैं एक दिन यही गुस्सा तुम्हारा ना तुम्हें ले डूबेगा। जानवर कहीं का तू फिर? वीरू, हमने तुम्हें कहा था ना वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए, तो ये क्या कर रहे हो? पहले ही तो इनके वजह से हम पूरे मोहल्ले में अपमानित हैं। हमें और मत करो। और अंबा काकी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके आप जया को यहां आने से रोक दीजिए। आ चुकी जितना आना था पुराने वाले घर में, लेकिन अब इस घर में तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। जया, तुम जाओ यहां से। जया, तुमसे कह रहे हैं ना, इस वक्त इन दोनों का दिमाग गर्म है। तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जाओ यहां से। सुन अपनी मां की बात। वीरू, चल चलो। रजत आ जाओ। हद है इन लड़कों की। रात भर समझाया पर उनके कान में जून तक नहीं रही थी। परेशान करके रख दिया इन लड़कों ने। और सबसे ज्यादा तो तुझे ही सहना पड़ रहा होगा ना इस घर में। गंगा, वो ये लड़के नालायक हैं, पर क्या है ना, बचपन से हमने ही इन्हें पाला है। भले ही इन्होंने ये दरार खींच ली है घर में, पर अपने दिल में हमारे बच्चों को लेकर कभी ये दरार मत पड़ने देना। है तो ये शिव के भाई ना। अब क्या कह रही है अंबा काकी? शिव जी के भाई हैं, तुम मेरे भाई जैसे हैं ना। मैं उनके बारे में कभी गलत सोच भी नहीं सकती। अब देखना बहुत जल्द ना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ऐसे लकीर खींच देने से भाइयों का प्यार थोड़ी खत्म हो जाए, है ना? मैं आती हूँ।
प्यार खत्म होने की शुरुआत तो हो गई है इस लकीर से। बस अब इस लकीर को इतना गहरा बनाना है कि जिंदगी भर ना मिट पाए, तब देखेंगे, तब देखेंगे कि सब कुछ पहले जैसा कैसे रहता है। जय अम्बे। अरे शिव भैया, अच्छा हो गया आप आ गए। अरे शिव भैया, आपके घर में ये क्या चल रहा है? लल्लन। हाँ भैया। पक्का वाला पेंट है ना? हाँ भैया, पक्का वाला पेंट है। निकलना नहीं चाहिए, ये तो बैट से बॉल को नहीं तेरे सर को दूंगा। पक्का वाला पेंट है भैया, नहीं निकलेगा। चल। तुम लोगों की बुद्धि ना पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। अरे नास पीटो, बस भी करो, और कितना दुख दोगे तुम लोग शिव को? अब क्या छलनी कर दोगे अपने बड़े भाई का सीना? हाँ, ये भी कोई बात? अरे शिव, तुम आ गए? देखो ना शिव, क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ कहो इनसे। इन सब बातों का अब कोई लाभ नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो भी है, हमने घर का सामान अलग कर दिया है। आपको कौन कौन सा सामान चाहिए आप चुन लीजिए। सही कहा तुम, चुनना तो पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप शिव जी? सही कह रहा हूं, पर चुनना मुझे नहीं, तुम्हें। लकीर खींची तुमने, इसलिए चुनोगी भी तुम ही। करो फैसला, दोनों में से क्या चाहिए तुम्हें? शिव भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? दो तरफ, एक तरफ तो सामान है, दूसरी तरफ कहाँ है? गंगा, शिव कर क्या रहा है? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आखिरी कोशिश, सब ठीक करने की। एक तरफ सारा सामान है, एक तरफ खुद शिव जी। फैसला इन्हें करना है कि इन्हें अपना बड़ा भाई चाहिए या भाई के बदले सामान। देखो क्या हो गया है। रुकिए गंगा जी, शिव जी आज मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों की नाराजगी मुझसे है ना, तो मैं वादा करती हूं मैं इस घर में कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी।
प्लीज प्लीज आप लोग कोई गलत फैसला मत कीजिएगा। अपने भाई को चुनिए, ये सामान नहीं, प्लीज। आपको फैसला लेना पड़ेगा भैया, आप किसे अपना मानते हैं, इन्हें या हमें? इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका, गंगा कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे। फैसला तो भैया ने स्वयं कर लिया था, आपको हमसे पहले चुनकर। मैं बात करती हूँ। नहीं गंगा जी, फैसला हो चुका है, चुन लिया उन्होंने जो उन्हें चाहिए। ले पकड़। अच्छा वीरू, हमें हिसाब किताब पूरे ध्यान से करना पड़ेगा, मंडी से लेके हमारे थोक व्यापारियों से हमें व्यापार करना है। वो किस दाम में किस भाव में हमें सामान देते हैं, हम किस भाव में वो सामान बेचते हैं, ये सब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। पर ये दुकान संभालेंगे कैसे भैया के बिना? भैया की शिक्षा है ना हमारे पास, हाँ हम संभाल लेंगे। चल इतनी भीड़, लगता है भैया ने कोई नई स्कीम चालू की, मार्जिन भी बहुत अच्छा होगा। चल चल के देखते हैं। हाँ चल चल। खून का रिश्ता है शिव भैया, ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ देंगे? आप कहें तो मैं बात करूं दोनों से। नहीं शुक्ला जी, ये बात हम भाइयों की निजी बात है, आप रहने दीजिए। क्या हो गया तुम लोगों को? अरे घर का बंटवारा कर लिया, अब दुकान में भी लकीर खींचोगे क्या? शुक्ला दुकान कैसे बांटेंगे? अब एक दुकान की दो दुकानें थोड़ी ना बनाएंगे, और कस्टमर आ गए तो क्या झगड़ा करेंगे या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे? नहीं, बंटवारा पहले दिल में होता है, दिल में दरार पड़ जाए तो बाकी सब तो अपने आप बढ़ जाता है। का बंटवारा कर लिया, अब दुकान का भी बता दो, इसका बंटवारा कैसे होगा? ये काम की जगह है और काम की जगह नहीं बंटती। हाँ जो भी कमाई होगी हम उसे, तो सबसे बड़ी गलती है जो नहीं बांट सकते वो है परिवार, घर, घर की रसोई। क्योंकि जब घर में एक साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी जीत सकते हैं, अगर घर टूटा हो तो चाहे कितनी भी कमाई क्यों ना हो मुश्किलें जीत जाती हैं। पैसे होके भी अपने नहीं मिलते, खुशियां नहीं मिलती, सुख दुख बांटने वाले नहीं मिलते। मम बोले तो क्या फिर हम दुकान भी बांटेंगे? नहीं, ये दुकान बाबूजी की धरोहर है, यादें जुड़ी हैं इस दुकान से, घर तो टूट गया, इस दुकान को टूटने नहीं दूंगा मैं। दुकान तो एक ही रहेगी। एक रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे? तुम लोग ही दुकान चलाओ। आज से दुकान तुम्हारी।